गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनिलकेत शर्मा। वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया। और आज मेरा ये फंक्शनल डिपेंडेंसी में दूसरा वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी या फिर ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो आइए समझते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में जो है, इफ ए एट्रीब्यूट डिटरमिन्स बी एट्रीब्यूट एंड बी एट्रीब्यूट डिटरमिन्स सी एट्रीब्यूट, देन तब क्या होगा, तब फंक्शनल डिपेंडेंसी ए एट्रीब्यूट इनडायरेक्टली डिटरमिन करेगा सी एट्रीब्यूट को। तो कैसे, लेट सपोज इफ ए बी सी आर थ्री एट्रीब्यूट्स इन ए टेबल। तो एक टेबल है और उस टेबल में ए बी और सी, ये तीन क्या है, एट्रीब्यूट्स है, ये तीन क्या है, कॉलम नेम्स है। तो इफ ए इज रिलेटेड टू बी, अगर ए एट्रीब्यूट रिलेटेड है बी एट्रीब्यूट से एंड बी इज रिलेटेड टू सी, और अगर बी एट्रीब्यूट रिलेटेड है सी एट्रीब्यूट से, तब इनडायरेक्टली क्या होगा कि ए इनडायरेक्टली इज रिलेटेड टू सी एट्रीब्यूट। तो इस केस में क्या होगा कि ए जो है वो इनडायरेक्टली सी एट्रीब्यूट से रिलेटेड होगा। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है और टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेबल। तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉलम्स है, कुछ एट्रीब्यूट्स के नेम है, ई नंबर, एम्प्लॉय नंबर, ये क्या है, एट्रीब्यूट नेम है, या फिर इसको कॉलम नेम भी बोल सकते हैं। तो ई नंबर हमारे पास एक कॉलम नेम है, उसके बाद ई नेम एक दूसरा एट्रीब्यूट नेम है, दूसरा कॉलम नेम है, एड्रेस एक तीसरा कॉलम है, बी डेट बर्थ डेट ये एक चौथा कॉलम है, और डी नंबर ये पांचवा कॉलम है, और डी नेम ये छठा कॉलम है। तो इसमें क्या है, इन द फिगर, इस फिगर में क्या है कि डिपार्टमेंट नंबर जो है, डी नंबर, डिपार्टमेंट नंबर इज डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट ई नंबर। यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट नंबर जो है ये डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी पे, एम्प्लॉय नंबर पे। कैसे, तो इस एम्प्लॉय टेबल में हम कोई भी डिपार्टमेंट नंबर ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए हमें एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, एम्प्लॉय नंबर चाहिए। तो डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय नंबर के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, एंड डी नेम इज डिपेंडेंट ऑन डिपार्टमेंट नंबर। और इसी टेबल में अगर डिपार्टमेंट नेम की बात करें तो वो डिपेंडेंट है डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर। इस एम्प्लॉय टेबल में अगर हम डिपार्टमेंट नंबर को ऐड करें या चेंजेस करें, तो डिपार्टमेंट नेम ऐड होगा या चेंज होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे। तो डिपार्टमेंट नंबर डिपेंडेंट है एम्प्लॉय नंबर पे, और डी नेम जो है डिपेंडेंट है डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर, बट डी नेम इनडायरेक्टली एम्प्लॉय नंबर से भी तो रिलेटेड है क्योंकि ये एम्प्लॉय टेबल में है। तो डी नेम इनडायरेक्टली एम्प्लॉय नंबर के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे दो केस है कि एम्प्लॉय नंबर डिटरमिन करता है एम्प्लॉय नेम को, एम्प्लॉय नंबर डिटरमिन करता है एम्प्लॉय नेम को, उसके बाद ये डिटरमिन करता है एम्प्लॉय एड्रेस को, एम्प्लॉय एड्रेस को भी डिटरमिन करता है, उसके बाद बी डेट को भी ये डिटरमिन करता है एम्प्लॉय नंबर, और डिपार्टमेंट नंबर को भी डिटरमिन करता है एम्प्लॉय नंबर। तो कैसे, अगर ई नेम, एम्प्लॉय का नेम ऐड करना है एम्प्लॉय टेबल में, तो उसके लिए एम्प्लॉय नंबर चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए। किसी भी एम्प्लॉय का एड्रेस चेंज करना है तो उसके लिए एम्प्लॉय नंबर चाहिए, किसी भी एम्प्लॉय का बर्थ डेट लिखना है तो एम्प्लॉय नंबर चाहिए, और डिपार्टमेंट नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए भी एम्प्लॉय नंबर चाहिए। तो यहाँ पर
एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, एड्रेस, बी डेट और डिपार्टमेंट नंबर, इन चारों को डिटरमिन कर रहा है। ये चारों कॉलम्स जो है ये डिपेंडेंट है एम्प्लॉय नंबर वाले कॉलम पे। बट दूसरे केस में क्या है कि डिपार्टमेंट नंबर डिटरमिन्स डी नेम, लेकिन दूसरे केस में क्या है कि डी नेम जो है वो डी नेम जो है वो डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है। डी नेम एम्प्लॉय नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है, बट डायरेक्टली ये डिपेंडेंट है डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर, और डी नेम इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय नंबर के ऊपर, क्योंकि डी नेम है तो एम्प्लॉय नंबर का ही पार्ट, लेकिन डी नेम जो है इनडायरेक्टली, डी नेम जो है डायरेक्टली एम्प्लॉय नंबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। डी नेम डायरेक्टली डिपेंडेंट है डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर, और डी नेम इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। तो यहां पर जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि डिपार्टमेंट नेम अगर इनडायरेक्टली रिलेटेड है एम्प्लॉय नंबर से, तो इसलिए डिपार्टमेंट नेम जो है वो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम जो है वो डिपेंडेंट है डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर, बट डिपार्टमेंट नेम इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय नंबर के ऊपर, तो इसलिए डिपार्टमेंट नेम जो है वो एम्प्लॉय नंबर से ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है। तो इसी को ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोलते हैं। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसको अच्छे से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी, तो आइए समझते हैं कि ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी क्या है। तो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी के केस में हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम्स नेम, तो कॉलम्स नेम जो है वो लेफ्ट साइड में भी होंगे और कॉलम्स नेम राइट साइड में भी होंगे। तो यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में हमारे पास एट्रीब्यूट है, कॉलम नेम है A1, A2, A3 से लेकर के AN तक, और राइट साइड में हमारे पास एट्रीब्यूट है, कॉलम नेम है A1, B1, B2, B3 से लेकर के BM तक। अब लेफ्ट साइड में भी एट्रीब्यूट है, कॉलम नेम है, और राइट साइड में भी एट्रीब्यूट है और कॉलम नेम है। तो अब इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि ट्रिवियल डिपेंडेंसी क्या है, और उसके बाद समझेंगे कि नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी क्या है। तो इफ देयर आर सम एट्रीब्यूट्स इन द राइट साइड, अब राइट साइड में कुछ एट्रीब्यूट्स है दैट हैज बीन रिपीटेड इन द लेफ्ट साइड, जो रिपीटेड की गई है लेफ्ट साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में कुछ कॉलम्स है और वो रिपीट होकर के आई है लेफ्ट साइड में, देन इट इज सेड टू बी द ट्रिवियल डिपेंडेंसी। तो इस केस को ट्रिवियल डिपेंडेंसी बोलते हैं, यानी कि राइट साइड में कुछ कॉलम्स के नेम आए हैं या कुछ एट्रीब्यूट के नेम आए हैं, और वही कॉलम्स के नेम या एट्रीब्यूट के नेम जो है अगर लेफ्ट साइड में आ गया है, तो इस केस को बोलते हैं ट्रिवियल डिपेंडेंसी। और ये केस जब अराइज होता है तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो रिपीट हो रही है, अगर राइट साइड में लेट सपोज A1 एक एट्रीब्यूट है और जो है लेफ्ट साइड में A1 एट्रीब्यूट यहां पर रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रिवियल डिपेंडेंसी है। और इस केस में हम क्या करेंगे कि A1 को राइट साइड से रिमूव कर देंगे। तो ये क्या है, टेबल को नॉर्मल करने का एक तरीका है, टेबल में डेटा का डुप्लीकेशन ना आ जाए, टेबल में कॉलम में डुप्लीकेट डेटा ना आ जाए, तो डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने का ये एक तरीका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, A1 कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम राइट साइड, तो राइट साइड से हम A1 एट्रीब्यूट को रिमूव कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिवियल डिपेंडेंसी से ये बन जाएगा नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी। अब नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट इन राइट हैंड साइड ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी,
नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी में क्या है कि राइट हैंड साइड में कम से कम एक एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करती है, बट वो जो एट्रीब्यूट है नोट ए पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन वो एट्रीब्यूट लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एज ए नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इसी को नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। तो मतलब क्या कि राइट हैंड साइड में कोई भी एट्रीब्यूट है, लेकिन राइट हैंड साइड वाला कोई भी एट्रीब्यूट लेफ्ट हैंड साइड में वो एट्रीब्यूट रिपीट नहीं हो रही है, तो इस केस को नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम एक एक करके समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि ट्रिवियल डिपेंडेंसी क्या है और नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी क्या है। तो ट्रिवियल डिपेंडेंसी के बारे में कहा जाता है कि दे आर नॉट यूज इन प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस में यूज नहीं करते हैं। दे आर एलिमिनेटेड टू रिड्यूस द साइज ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी को यूज करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के साइज को कम करने के लिए। ट्रिवियल डिपेंडेंसी और नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी, तो इस स्लाइड में हम ट्रिवियल डिपेंडेंसी और नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले ट्रिवियल डिपेंडेंसी को समझते हैं। तो x डिटरमीन्स y इज सेट टू बी ए ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इफ y इज ए सबसेट ऑफ x। तो इसमें क्या है कि अगर x एट्रीब्यूट डिटरमीन करता है y एट्रीब्यूट को, तो उस केस में ये ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी बन जाएगी अगर y एट्रीब्यूट x एट्रीब्यूट का क्या हो, सबसेट हो। अगर y एट्रीब्यूट डिपेंडेंट हो जाए x एट्रीब्यूट के ऊपर तो ये ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास एक टेबल है और टेबल का नाम है EMP टेबल, और इसमें दो एट्रीब्यूट है, दो कॉलम्स नेम है, EMP ID और EMP name। तो इसमें क्या है, इन दी एबव टेबल, ऊपर वाले टेबल में टू कॉलम्स, दो कॉलम्स है, EMP ID एंड EMP name। तो यहाँ पे जो है EMP ID और EMP name दोनों एक साथ है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो या फिर राइट हैंड साइड में हो, दोनों एक साथ है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में जो भी एट्रीब्यूट है वो राइट हैंड साइड वाला कोई भी एट्रीब्यूट लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है उस केस में। तो यहाँ पर जो है EMP ID और EMP name लेफ्ट हैंड साइड में है या फिर राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ पे EMP ID जो है वो ट्रिवियल डिपेंडेंसी है, क्योंकि EMP ID जो है वो सबसेट है किसका, EMP ID और EMP name का। यानी कि जो है EMP ID और EMP name लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, किसी भी साइड में EMP ID और EMP name एक साथ आए हुए एट्रीब्यूट है, और जिसमें EMP name जो है वो जो है क्या है, EMP ID के ऊपर डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है। क्योंकि EMP name को जब भी हम चेंज करेंगे या किसी भी एम्प्लॉय का नाम ऐड करेंगे टेबल में, तो उसके लिए हमें EMP ID की जरूरत पड़ेगी। तो EMP name जो है वो EMP ID के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर EMP ID कॉलम जो है वो डिटरमीन कर रहा है EMP name वाले कॉलम को, यानी कि x डिटरमीन कर रहा है y एट्रीब्यूट को। तो y यहाँ पर EMP name यहाँ पर डिपेंडेंट है x कॉलम पे, EMP ID कॉलम पे। तो इस तरह के केस में हम इसको ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। अब नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी क्या है कि x डिटरमीन कर रहा है y, x एट्रीब्यूट x कॉलम डिटरमीन कर रहा है y कॉलम को, इज सेट टू बी ए नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसको तब हम नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कह सकते हैं
जब इफ एंड ओनली इफ y इज नॉट ए सबसेट ऑफ x, जब y एट्रीब्यूट जो है वो x एट्रीब्यूट के ऊपर जो है y एट्रीब्यूट x एट्रीब्यूट का सबसेट नहीं है, यानी कि y एट्रीब्यूट y कॉलम x एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. इट कैन बी डिफाइंड एज व्हेन एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट इन द राइट साइड ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज नॉट ए पार्ट ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी. तो जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ राइट हैंड साइड में एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो जो है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के केस में क्या होगा कि एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट अगर राइट हैंड साइड में है फंक्शनल डिपेंडेंसी के, तो वो एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट जो है लेफ्ट हैंड साइड फंक्शनल डिपेंडेंसी के लेफ्ट हैंड साइड में उसका पार्ट नहीं होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में वो एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, तो इसको नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं. इन द एबव टेबल, ऊपर वाले टेबल में ईएमपी, ऊपर वाले टेबल ईएमपी में एम्प्लॉई आईडी जो है वो डिटरमीन कर रहा है ईएमपी नेम को, और ये नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी है क्योंकि ईएमपी नेम जो है नॉट ए सबसेट ऑफ ईएमपी आईडी, तो ईएमपी नेम जो है वो ईएमपी आईडी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी बोलते हैं. तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का ये मेरा दूसरा वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है. तो जो है इसका जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जब हम नॉर्मलाइजेशन वाले टॉपिक में चैप्टर में जो है देखेंगे तो ये थोड़ा वहाँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.